हेलो दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नई एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 3 वीकली ब्रेकआउट स्टॉक, जो स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए आप इन स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। और अच्छे इंपोर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुए और अच्छे ब्रेकआउट इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिला है। और एक स्टॉक तो हमारा मेटल सेक्टर से, और मेटल सेक्टर और शुगर सेक्टर, ये स्टॉक्स आपके फोकस में नेक्स्ट 1 से 2 मंथ के लिए आपको फोकस में रहने चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक में मोमेंटम बहुत ही अच्छे फास्ट होने वाला है। तो ये स्टॉक्स आपके रडार में जरूर रहने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करें। उससे पहले नहीं, लास्ट वीक में मैंने स्टॉक दिया था चार्ट ऑफ द वीक में, वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक दिया था। इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है 1 वीक में, ठीक है। तो हमारे लगभग यहाँ पे 2950 के ऊपर मैंने बाइंग के लिए दिया था, और ये स्टॉक्स ऑलरेडी 3210 का हाई लगाया, तो हमारा टारगेट लगभग इसमें दोनों टारगेट अच्छे हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। और आज के जो स्टॉक हम लोग डिस्कस करने हैं, और एक स्टॉक्स मैंने लास्ट वीक में दिया था वो अभी हमारा लेवल आया नहीं है, और एक स्टॉक में हमारी जस्ट ऑफ एंट्री बनी है। तो अभी नेक्स्ट वीक में आप उस स्टॉक को रडार में अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट स्टॉक है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। शुगर स्टॉक्स को आपको फोकस में रखना है नेक्स्ट वीक में, तो इस स्टॉक का आज हम इस वीक में डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इस स्टॉक्स में हुआ है, और एक अच्छे लेवल से ये स्टॉक्स अपनी बाइंग जोन से बार बार ये रिटेस्ट कर रहा है, और इस स्टॉक्स यहाँ पे बाइंग आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम एक लेवल हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट होने करने की कोशिश करा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और इस लेवल को बार बार यहाँ पे एक अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ, देन ऊपर गया। अब यहाँ पे एक नेरो रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, धीरे धीरे अपनी रेंज को छोटी बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होता है तभी उसके आस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइम का ये स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया, देन यहाँ पे इस वीक में अच्छा ब्रेकआउट, इस वीक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो ये स्टॉक हमारे रडार में नेक्स्ट वीक के लिए जरूर होना चाहिए। तो श्री रेणुका शुगर को हम क्लोजिंग प्राइस जो करंट प्राइस है 53, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम नेक्स्ट वीक में हम एक बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 56, सेकंड टारगेट होगा 668, जो इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल के लो के नीचे। जो प्रीवियस ये ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि 47 का निकल के आ रहा है। और इस स्टॉक का आपको ये वाला हाई है, ये टारगेट आपको इस स्टॉक में बहुत ही फास्ट आता हुआ नजर आ सकता है। आज का जो सेकंड स्टॉक है हमारा वो है यहाँ पे गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। देखिये इस स्टॉक्स में लेटेस्ट यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग कभी हुआ 2024 में। जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद में स्टॉक में एक रेंज बनी थी, रेंज के बाद में स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा था रेंज के अंदर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं था। आप देखेंगे जब लिस्टिंग हुआ उसी दिन वॉल्यूम आया था, उसके बाद में कोई वॉल्यूम यहाँ पे बिल्डअप नहीं हुआ। अब यहाँ पे लास्ट प्रीवियस 3 वीक से एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने एक प्रीवियस जो हाई है उसको 380 के ऊपर क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे इस वीक में एक अच्छी हाई वॉल्यूम के साथ में, और यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम आया, और इस कैंडल में भी बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे हमें बाइंग करना है या थोड़ा वेट करना है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 420 का क्लोजिंग प्राइस है गोपाल स्लिंक्स लिमिटेड में, 420 का क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बार वेट करना है थोड़ा रिटेस्ट का। रिटेस्ट के बाद में यहाँ पे एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है 390-385 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 420 का होगा, सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे ये हाई वाला कैंडल, इसका हाई है
वो होगा 440 का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 500 के लेवल आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा जो कि निकल के आ रहा है यहाँ पे 465 के, आपको स्टॉप लॉस रखना है 465। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक। अब चलेंगे फाइनल स्टॉक की ओर, और ये स्टॉक में चार्ट देखेंगे तो आप, ये मेटल सेक्टर से है और मेटल सेक्टर आपके रडार में जरूर रहना चाहिए। अभी इसमें देखिए कितने साल का ब्रेकआउट हुआ है, 2010 के बाद में इसने कहीं पे भी यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं मिली जो कि 500 के ऊपर, लेकिन 2020 के बाद में इसने, सॉरी 2010 के बाद में आज यहाँ पे लास्ट प्राइवेट फ्राइडे को इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो आप देखेंगे तो कितनी बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा लेवल टेस्ट हुआ, और एक ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट था 420 का, इसको बार बार टेस्ट करा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी वीक्स बन रही है कैंडल की, लेकिन इसने कहीं पे भी एक भी बार नीचे क्लोजिंग नहीं दिए, तो ये यहाँ पे बायर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं बार बार। तो इसमें एक अच्छा हाई वॉल्यूम के साथ में एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, और एक ब्रेकआउट के बाद में हमें एक नेक्स्ट 14 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में आगे बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हम प्लानिंग कर सकते हैं 510 के ऊपर, फर्स्ट जो टारगेट होगा 525 का, सेकंड टारगेट होगा 566 का, और जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हो तो इसमें टारगेट आपको 750 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हो। स्टॉप लॉस 490 का रहेगा, जो कि आपको इस रिटेस्ट के बाद में एक 490 का स्टॉप लॉस रख के आप 800 के टारगेट के लिए बने रह सकते हो। दोस्तों ये थी आज के हमारे टॉप ब्रेकआउट और स्टॉक वीकली, और इन स्टॉक्स में जो कौन सा चार्ट आपको बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कुछ अपडेट डालता रहता हो तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।